देन सब्सक्राइब करिए चैनल ब्यूटीफुल यू को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें, क्योंकि क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन आती है। थैंक यू। हेलो ब्यूटीफुल्स, अगर आप भी देती हैं अपने बालों को रेगुलर ऑयलिंग तो उसे स्किप करें और दें अपने बालों को स्मार्ट ऑयलिंग, ना कि सिर्फ ऑयल हो आपके बालों में, आपके बालों को एक्स्ट्रा शाइन और केयर भी मिले। आज का रेमेडी आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो कंप्लीट देखें। अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। एक चीज़ और, अगर आपको भी प्रॉब्लम है डायरेक्ट ऑयल गर्म करने से तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही पसंदीदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैंने लिया है एक एलोवेरा जेल यानी कि फ्रेश, और उसको मिक्सी में पेस्ट बना लिया है। उधर दूसरी साइड में एक पानी गर्म कर रही हूँ, इसमें मैंने अपना कोकोनट ऑयल रखा है। हम डायरेक्ट हीट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मुझे इसको गर्म करना है, क्योंकि जब मैं इसमें मिक्स करूँगी, जो हमारा मिक्सचर हमें रेमेडी रेडी करना है, तो उसके लिए हल्का हीटअप होना ऑयल का बेहद ज़रूरी है। स्पेशली विंटर्स में अगर आप हल्का गर्म तेल अपने बालों में मसाज करते हैं, ना कि अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है, बल्कि आपके बालों में डैंड्रफ का प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म होता है। इस कोकोनट ऑयल में मैं ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल फ्रेश जो मैंने पेस्ट बनाया था वो। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। क्वांटिटी मैंने ऊपर लिखी है तो आप पढ़ सकते हो पीछे जाकर। अगर आप चाहें तो कोकोनट ऑयल की जगह अपना फेवरेट ऑयल कोई भी ले सकते हो, लेकिन एलोवेरा जेल बिल्कुल भी स्किप ना करें। कोशिश करें कि कोकोनट ऑयल के साथ ही फ्रेश एलोवेरा यूज़ करें, क्योंकि इन दोनों का मिक्सचर आपके बालों पर एकदम मैजिक जैसे काम करता है। ना कि आपके बालों को शाइनी बनाता है, हेल्दी बनाता है, बल्कि आपके बालों की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। डैंड्रफ की प्रॉब्लम तो जाती ही रहती है, बाल शाइनी दिखते हैं आफ्टर शैम्पू। शैम्पू करें 2 से 3 घंटे बाद। एंड आई होप गर्ल ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पर क्लिक करें नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।